आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लाया है। उन्होंने कहा है कि 19, 20 और 21 को विधानसभा का सत्र रखा जाए, उसमें प्रोटेम स्पीकर पहले और फिर शपथ ग्रहण और अभिभाषण सब कुछ विधिवत वैसे ही होना है। अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा, आवश्यकताएं हैं। एक्चुअली जो पूरा कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा विषय किया कि पूरे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, जिसकी घोषणा भी पूर्व से भाजपा की थी, जिसका संघर्ष भाजपा ने सड़क पर किया था, उसमें गरीबों ने साथ दिया था, तो सबसे पहला काम तो वही करना था। तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। अब इसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है, तो सर्वप्रथम तो अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। इसके सिवा आगे कुछ और योजनाएं जो हैं, जिसको शीघ्र ही अगली कैबिनेट में निर्णय किया जाएगा, उसके लिए भी अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। हार के बाद कांग्रेस में अब जो खलबली मची हुई है, उनके 20 जो विधायक जिनको टिकट नहीं मिली थी, उन्होंने कल बैठक ली और साफ तौर पर आपने भी देखा है कि आरोप लगा रहे हैं डिप्टी सीएम और अन्य के ऊपर, निष्कासन भी हुआ है, दिल्ली भी जा रहे शिकायत करने। अब वो उनकी पार्टी का मसला है, मैं उसमें क्या कहूँ। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि उसमें अनेक लोग हैं, अनेक तरह के आरोप लगाने वाले। मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं अखबार आपके और आपके चैनल के माध्यम से सुनता हूं, मुझे ये लगता है कि ये सब लोग सच बोल रहे हैं, उनमें कोई गलत नहीं बोल रहा है। जितने उनके आरोप परस्पर लगाने वाले हैं, मैं सोचता हूं कि सब लोग सच बोल रहे हैं। ये हुआ तो ये भी ठीक बोल रहा है, वो बोल रहे हैं ऐसा किया तो वो भी ठीक बोल रहे हैं। इन सारी चीजों का उनको मंथन करना पड़ेगा। अब हार के बाद लेकिन पैसा लेने का आरोप लग रहा है, पैसा लेके टिकट दिए और इस तरीके से संस्कृति ही प्रारंभ से गड़बड़ कर दी। इनको सरकार मिली तो इन्होंने सोचा कि ये सुख पाने का, धन संचय का साधन है। राजनीति शक्ति की आराधना है और शक्ति प्राप्त करके बड़ा परिवर्तन समाज में आप करें, यह प्रयास होना चाहिए। परंतु इन्होंने चौक चौराहे में भी पैसे उगाही का जो मसला बना लिया, तो ये संस्कृति नीचे तक चली गई। ये कल कैबिनेट की बैठक के बाद अधिकारियों की बैठक ली, उसके बाद जनसंपर्क विभाग की भी बैठक ली है, आपने क्या लगता है कामकाज से कितने संतुष्ट थे, क्या प्रशासनिक फेरबदल इस पे हो सकता है आने वाले दिनों में? माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट इस विषय पर कहना था कि हमारा कोई राग द्वेष किसी अधिकारी से बिल्कुल नहीं है। बिना राग द्वेष के, बिना इस तरह का कुछ सोचे काम करने का अवसर दिया जाएगा। जो परफॉर्म करेंगे वो आगे रहेंगे, जो नहीं करेंगे उनको बदला जाएगा।